और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे दें। मनोज तिवारी उस स्पॉट पर पहुंच गए हैं जहां पर सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन होना है और वहां पर हो गया है हंगामा। आपको बता दें, दिल्ली सरकार ने मनोज तिवारी को न्योता नहीं दिया था, उसके बावजूद उन्होंने कहा था कि मैं बिना इनवाइट के वहां पहुंच जाऊंगा और ऐसा ही उन्होंने किया और उनके पहुंचने पर हंगामा हो गया है। ये दिल्ली की सियासत है, ये क्रेडिट लेने की होड़ है, धक्का मारने से भी परहेज नहीं, हाथ भांजने में जरा भी हिचक नहीं। मनोज तिवारी जी और उनके गुंडे हिंसा के आशय से गए थे वहां। बैठ जाओ। ये गए हैं वहां, अभी पहुंचे ब्रिज पे। जय श्री राम, मोदी मोदी का नारा चल रहा है। कुर्सियां उठा उठा फेंक रहे हैं। किसी ने किस पर रोक लिया है, मोदी मोदी चल रहा है, मंच पे चल रहे हैं, जो रोक रहा है हमको धकेल रहे हैं। आप सांसद को बोलेगा कहने का हो, बेतमीज है आपकी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी के मुंह से निकले ये चार शब्द हमने आपको चार बार इसलिए सुनाए क्योंकि दावा है कि बीजेपी सांसद मनोज तिवारी गाने की फरमाइश पर गुस्से से फट पड़े। वायरल वीडियो के मुताबिक मनोज तिवारी का गुस्सा इतने पर शांत नहीं हुआ। चलो आप जाके बैठो नीचे। उन्होंने न सिर्फ महिला शिक्षक को मंच से उतार दिया बल्कि उन पर कार्रवाई करने का आदेश तक सुना दिया। गाने का प्रोग्राम है क्या? आपको इतना ही नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है? ये 2 करोड़ का सीसीटीवी लगने दे, आप उधर गाना गा दीजिए। चलिए आप नीचे बैठिए, चलिए आप मन से नीचे जाइए, इन पे कार्रवाई करो, ठीक है? गया था अपनी लाइन में जब लोग लगे थे तो मैं सोचू क्या कहूँ तो ये सब खुश होंगे, तो मैंने कहा कि देशभक्त है कतार में, एकदम सब चिड़िया सब मुस्कुराने लग गया। देशभक्त है कतार में, लगी है भारी भीड़, तकलीफों से सज रही भारत की तकदीर। बोले हम लोग लगे रहेंगे 30 तारीख। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से बौखलाई हुई है, घबराई हुई है और इस डर में, बौखलाहट में, घबराहट में भारतीय जनता पार्टी बहुत सारी ऊल जलूल हरकतें और गलतियां कर रही है। जैसे अभी हमने मुद्दा उठाया, प्रमाण प्रस्तुत किए, इलेक्शन कमीशन के साथ संवाद स्थापित किया और आप सबको सूचित किया कि दिल्ली में बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटवा रही है। गवर्नमेंट थी उस दौरान वाटर टैंक का डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम में टेंडर्स हुए और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, उसमें गड़बड़ियां थी और उसके तहत 400 करोड़ के आसपास एक स्कैम है, तो इनकी कार्रवाई की जाए। अपने नेतृत्व में दिल्ली के अंदर 2015 में एक सीट नहीं जीत दिलवा पाई कांग्रेस, अपनी सीट तक जो नहीं बचा पाई वो एक लोकसभा की सीट जहां 10 विधानसभाएं हैं वो कैसे जीतेंगी? एक बार
दूसरी बात, यही वो क्षेत्र है जहां से 1996 में ऑलरेडी वो एक बार हार चुकी है। दूसरी तीसरी बात, यही वो क्षेत्र है जहां पूर्वांचल के लोगों की बहुलता है। पर एक बार उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि जो बाहर के लोग आते हैं यूपी बिहार के, वही बलात्कार के लिए जिम्मेदार है। तो किस मुंह से उस इलाके की जनता के बीच जाकर उनसे वोट मांगेंगे, ये वहां के लोग कह रहे हैं कि जनता कह रही है। तो 100 बातों की एक सीधी बात यह है कि उतारिए किसी को भी, कितना भी चमकीला चेहरा उतारिए। दिल्ली के अंदर ये तयशुदा है कि तीसरे नंबर की पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को, यदि आप वोट देते हैं तो फिर आप बीजेपी को दे दीजिए, क्योंकि दोनों ही एक ही बात है। आप भारतीय जनता पार्टी की ही मदद कर रहे हैं कांग्रेस को वोट करके। उत्तर पूर्वी संसदीय क्षेत्र में आता है, सांसद हैं मनोज तिवारी। सांसद फंड से आप लोगों के क्षेत्र में क्या क्या ऐसे काम हुए हैं जिनको आप बता सकते हैं, कुछ ध्यान में है कुछ भी हुआ? सीलम पर विधानसभा में मेरे अपने ख्याल से कुछ भी नहीं हुआ। जहां तक फंड का मामला है कि अब जाफराबाद लाल कोठी है यहां पर, जिसमें मामला से कम्युनिटी ने रखा था कि यहां पे एक महिलाओं के लिए, कम्युनिटी के लिए, लेडीज महिलाओं के लिए एक कॉलेज की ओपनिंग की है, उसके बारे में तिवारी जी कह गए, लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं उसके लिए। सांसद की तरफ से कोई इनिशिएटिव, कोई काम, कोई एक काम जो आपको याद हो, चाहे कोई एक मीटिंग जो उन्होंने, मनोज तिवारी जी ने आकर जाफराबाद में लियो लोगों से? मीटिंग तो बहुत दूर की बात है, हमने अभी तक उनका, दूर तक भी पूरे इस जमुना पार में, मैं चारों तरफ ही घूमता हूँ, अभी तक उनका चेहरा ही नहीं देखा कि वो किस तरह का इंसान है, किस तरह का, बस जो देखा फोटो पे। मनोज तिवारी हमारे यहाँ के MP हैं, उनको एक बार भी यहाँ नहीं देखा गया है, ना किसी रैली में, ना किसी भी काम में। मनोज तिवारी से मैं कहता हूँ बिल्कुल ही यहाँ की जनता ना खुश है। चलिए, तो दिल्ली सरकार का काम था, कुछ सांसद ने भी आपके क्षेत्र के लिए कुछ किया है? इसमें कहीं भी किसी एरिया के अंदर सांसद का कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ है, लेकिन विधायक का हर जगह काम नज़र आ रहा है। मान लीजिए ये स्कूल का, एक स्कूल और डेवलप हुआ है गोंडा के अंदर, इसी विधानसभा के अंदर। दूसरा, इसमें ब्रह्मपुरी रोड पर डिवाइडर डाला गया है, जो कि पहले पब्लिक को बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, अब वो डिवाइडर डालने के बाद में लोग आराम से निकल जाते हैं, ट्रैफिक जाम कम हुआ है। हमारे यहाँ के उत्तर पूर्वी से सांसद हैं मनोज तिवारी जी। तिवारी साहब ने एक सिंगल काम नहीं करवाया पूरे 5 साल के अंदर। कभी कोई विधायक सांसद आए हैं, कभी हालचाल? कभी नहीं आया कोई पूछने के लिए। इलेक्शन के टाइम पे आए? हाँ, इलेक्शन होंगे तो माता कहेंगे, बहन कहेंगे, पैर भी पूजेंगे और वोट मांगेंगे। क्या मुद्दा रहेगा इस बार, कौन जीतेगा? मुद्दा कांग्रेस का ही रहेगा। क्या, क्यों? क्यों क्या, क्यों जीतेगा? मोदी जी ने काम ही कब करा है? मोदी जी ने काम नहीं करा। मोदी जी ने क्या कहेंगे, कौन रहेगा, कौन जीतेगा इस सीट पर, क्या होने वाला? कांग्रेस जीतेगी। क्यों जीतेगी कांग्रेस? कांग्रेस बढ़िया पार्टी है, बढ़िया काम करेगी कांग्रेस ने पहले भी। बीजेपी का यहाँ पर MP मनोज तिवारी है, क्या कहेंगे, क्या मूड है आप लोगों का? देखो जी, मूड ये मोदी जी जब से आए, सबसे पहले तो नोटबंदी, फिर GST, व्यापारी तो बिल्कुल मारा हुआ, बहुत ज़्यादा परेशान है। कांग्रेस ने जो कारोबार हमेशा दिया है वो मोदी जी दे ही नहीं पाए। क्या कहेंगे, क्या मूड है आप लोगों का? जी, हम कांग्रेस के टाइम में बहुत खुश थे, लोग जिस तरह कारोबार चलते थे तो बहुत ज़्यादा लोग खुशहाल थे, और अब तो खैर बहुत बुरा हाल है लोगों का, सभी जानते हैं। बीजेपी से मनोज तिवारी यहाँ पर लड़ चुके हैं, यहाँ पर पिछली बार जीत गई थी बीजेपी, इस बार आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि वही बीजेपी को हरा सकती है। देखिए, आम आदमी पार्टी विधानसभा का इलेक्शन था और ये लोकसभा का इलेक्शन है, इसमें काफ़ी फर्क है। हमारा वोट कांग्रेस को है। मोदी जी ने तो सिर्फ सपने दिखाए लोगों को, और कुछ नहीं दिखाया। नोटबंदी कर दी, समझे, इस सूरत से कारोबार के लिए बहुत परेशान है, कभी GST लगा दी, कभी कुछ लगा दिया, समझे, सीलिंग लगा दी। अब इन कामों से तो पब्लिक के लिए तो कोई जरूरी नहीं, अच्छा होगा क्या, समझे, कारोबार सारे ठप कर दिए। अब तो ये चाहते हैं कि कांग्रेस आए, फिर से कारोबार हो सही से, लोग परेशान हैं, इसमें परेशानी हट जाएगी। जो हमारे MP रहे हैं अभी तक भी, मनोज तिवारी जी, उन्होंने कोई काम नहीं किया है किसी भी तरह से, किसी भी महकमे को लेकर, ना कोई सड़क का काम है, ना किसी भी तरह का कोई विकास का काम नहीं किया है। तो यहाँ की जनता तो हर तरह से मूड बनाए हुए है कि आम आदमी पार्टी को वोट देना है। देखिए, मोदी जी ने 4 साल हो गए, 5 साल झूठ बोलते बोलते हर आदमी भी झूठ समझ चुका है, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस का तो 4 बार चुनाव हुए, 0% में रही है, और मोदी को जो है केजरीवाल हरा सकते हैं। मनोज तिवारी जो हमारे क्षेत्रीय सांसद हैं, एक तो वो गुमशुदा हैं, नाचने गाने के अलावा उन्हें कोई काम नहीं है, उन्हें तो सिर्फ नाचने गाने का काम मिलना चाहिए था, वो पॉलिटिकल आदमी नहीं है। बाकी आम आदमी जो काम कर रही है यहाँ, उससे हम बिल्कुल खुश हैं,
और आम आदमी को वोट देना चाहिए। क्या कह रहे हैं आप, आप में शायद पहली बार वोट डालेंगे, वोट आया होगा आपका, क्या कहेंगे? केजरीवाल जी का काम अच्छा है, दिल्ली में जो सरकार चल रही है जनता है सारी खुश है। क्या काम किया उन्होंने? काम क्या करा है, स्कूल भी बनवा दिए अच्छे, मतलब जैसे होने चाहिए, पढ़ाई भी अच्छी हो रही है, अस्पताल सही हो रहे हैं और शिकायतें सुनी भी जा रही हैं अस्पतालों में। अभी तक जो है दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन होने की बात थी लेकिन गठबंधन नहीं हो सका है, क्या कहेंगे गठबंधन नहीं हुआ है, क्या कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों ऐसा, क्या क्या होगा, क्या होगा फिर? नहीं, अरविंद केजरीवाल को हराने वाला नहीं है। क्यों क्यों ऐसा क्यों है? नहीं, वो काम करते नहीं था, जो जनता जा गई है। इससे पहले बहुत यहाँ पे लीडर बनकर आए, सबको एमपी बने, हमने वोट भी दिया सबको, लेकिन आज तक किसी ने ऐसा विकास नहीं किया जैसे अभी, जैसे विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने जो करके दिखाया सब कुछ।